पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये मेरा 10वां लेटर है आप। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए वरना वो मारी जाएगी। तैयार नहीं हुई? स्कूल के लिए लेट हो गई तो टीचर मुझे डांटेगी। और आप काम के लिए लेट हो गई तो डॉक्टर आंटी मुझे डांटेगी। हेलो, कब आओगे तुम? सजनी, सुबह से कुछ खास कमाई नहीं हुई है, कुछ घंटे और कोशिश करता हूँ। अब वो क्या है ना, पास में एक बाबा आए हैं, वो कह रहे थे कि अगर हम एक बार हवन करवा लें ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन पोंगा पंडितों का कोई भरोसा नहीं। क्या वो लिख के देने को तैयार हैं कि सब ठीक हो जाएगा? क्या तुम लिख के दे सकते हो? तुम्हारी कमाई से दो वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है हमें। आज भी अंजू को दोनों टाइम ना मार भात खिलाया मैंने। सजनी, मैं पक्का कुछ करूंगा, तू टेंशन मत ले। सजनी, तू सुन रही है ना? सजनी, स्वीटी को गए 20 साल हो गए आज। आज ही के दिन एक मिनट, लाफ्टर क्लब का रूल भूल गया क्या? सैडनेस, सोरो नॉट अलाउड। पुरानो दिन की कथा मने करबे तो सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स, नॉट सैड। ओके, सच कह रहे हो बिथिन। खुदाई जिंदी मेहरबानी कि मैंने लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया, नहीं तो तुम मुझे कैसे मिलते? पर बिथिन, तुम अपना फैमिली के साथ क्यों नहीं रहता? अनलाइक मी, तुम्हारा तो कितना बड़ा परिवार है। वो क्या है दिलनास, फैमिली फ्रेंड्स ये सब अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी की इस गाड़ी के हम तो अकेले ही मुसाफिर है ना।
कभी कभी जाके उनको मिलता है दिल्ली में वेकेशन में, और कभी कभी मिलता है तो सब अच्छा रहता है। 24 घंटा संगे थकले ना जाने की होवे। I understand. पर देखो ना, ये हमारे बंबई से दिल्ली की हालत और बुरी है। वहाँ हॉस्पिटल में बेड तो क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। वो न्यूज में कह रहे थे। डेलना, डेलना, सुनो, अगर आज के जमाने में शांति से जीना है ना तो ये टीवी न्यूज देखना बंद कर दो। अरे न्यूज नहीं है, न्यूसेंस है। कभी कभी कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेता है। वही तो वही लोकटा चश्मा वाला, वो क्या बोलता है बार बार, ड्रग दो ड्रग दो। बेथिन, तुमसे बात करती हूँ ना तो सपने भी अच्छे आते। ए दिलनाज, कभी हम भी आता है क्या तुम्हारा सपनों में? मारे जैन सर, क्या टाइम पे शादी की है? हा? चुनाव की ड्यूटी के साथ साथ घर पे टाइम दे पाता है कि नहीं? क्या बताऊं सर, यहाँ मिनिस्टर्स की सुनो, वहाँ होम मिनिस्टर की। अरे होम मिनिस्टर से याद आया, वो मिनिस्ट्री से एक केस आया था ना, एक अज्ञात आदमी कई दिनों से एक ही मेल भेज रहा था। यस सर, जिसमें एक लड़की को बचाने की बात लिखी थी, एक ही मेल से बार बार मैसेजेस आ रहे थे। सर साइबर सेल ने आईपी एड्रेस निकाल के लोकेशन ट्रेस किया अपने एरिया में। स्पैम भेजने वाला आइडेंटिफाई हुआ? सर फेक आईडी से टेम्परेरी सिम कार्ड लिया गया था। हाँ ये सारी डिटेल्स हैं सर, देखिए। एक बड़ी शख्सियत है जो बिजनेस की आड़ में लड़कियों से गलत काम कराती है, जिसके चलते कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। उसे रोकना होगा, वरना उस लड़की की जिंदगी का भी वही हश्र होगा। ये मेरा 13वां लेटर है, प्लीज कुछ कीजिए। क्या लगता है लिखने वाला जेन्युइन है या ये भी फॉल्स अलार्म? सर मोस्टली प्रैंकस्टर्स एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब रखा है, ऐसी धमकियां देते हैं। अरे मामला कुछ अलग लग रहा है सर। तो ट्रेस करो इस आदमी को, हो सकता है किसी लड़की की जिंदगी सच में खतरे में। सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा ए, सुनो, कल हम लोग टाउन जाएगा। क्या? अरे तुम्हारा वो फेवरेट रुस्तम का आइसक्रीम, सैंडविच आइसक्रीम खाने। पर आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हार बड़ी क्या नो? मैं तुम्हें माछे झोल बना कर खिलाऊंगी। माछे झोल? एकदम खूब भालो, खूब भालो, खूब गुर्जी हुई चल। निखिल बाबा सुनो, हम तो अभी ये डेलनाज मैडम के घर उतर जाएगा, हाँ तो तुम हमको लेने को रात को आना, ठीक है? ठीक है चाचा विपिन अंकल, आते वक्त आपकी दवाई भी ले आऊंगा। ओह हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। सर बॉडी पर कोई जेवर नहीं दिख रहे, आसपास कोई मोबाइल या पर्स या वॉलेट भी नहीं है, बस ये हाथ पर सजनी नाम का टैटू गुड़वाया हुआ है और नेक पर भी एक टैटू है। सर बॉडी जिस तरह से डिकम्पोज हुई है, डेथ के कम से कम 10 दिन हो गए होंगे। चेहरे से बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है, जिसने भी किया है बड़ी प्लानिंग से किया है। बॉडी को इतनी दूर डंप किया ताकि लाश मिलने में वक्त लगे। लड़की के नाम के अलावा हमारे पास और कोई जानकारी भी तो नहीं है। लग रहा था कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन तभी कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि यह वेरिएंट बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा हानिकारक है। सरकार ने तो कह दिया कि सब सीनियर सिटीजन घर पे रहे,
लेकिन हम क्या करें? इनके डायलिसिस के लिए तो हमें हर दूसरे दिन अस्पताल जाना ही होगा, वरना। आप हिम्मत रखो आंटी, अंकल को कुछ नहीं होगा। मेरे बाबा गांव में हैं, उनको भी कोरोना हो गया था, सांस भी नहीं ले पा रहे थे और मैं यहाँ था, गांव भी नहीं जा सका। हमारे बेटे राहुल की भी यही मजबूरी है, अभी वो यूएसए में है, यहाँ होता तो सब कुछ संभाल लेता। चलिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।